Hello and welcome to my channel, The S Diaries. If you like my recipes, please do like and subscribe my channel for more recipes. हमारी आज की रेसिपी है ब्रेड रोल्स. तो चलें जल्दी से चलते हैं किचन में और बनाना स्टार्ट करते हैं अपने ब्रेड रोल्स. सबसे पहले आप एक लार्ज ब्रेड ले लीजिए. जितने इस ब्रेड में ब्रेड के पीसेस होंगे उतना ही इसका सर्विंग साइज होगा. ब्रेड के एंड्स को रिमूव कर दीजिए और ब्रेड के एंड्स जब आप काट कर साइड पर रखेंगे तो आपने इन्हें फेंकना नहीं है, आपने इन्हें संभाल के रख लेना है क्योंकि बाद में हम इन्हें ब्रेड क्रम्स बनाकर अपने रोल्स में फर्दर यूज़ करेंगे. ये बड़े मज़े की लाइट सी रेसिपी है ताकि जब अचानक से आपके घर मेहमान आ जाएँ और आपको समझ ना आए तो फटाफट निकाली ब्रेड और फटाफट बनाएं ब्रेड रोल्स. पेट भी करें इंजॉय और मेहमान भी हो जाए इम्प्रेस. ले जी, हमारे पास तो बहुत सारे एंड्स इकट्ठे हो गए हैं, इनके हम बना लेंगे ब्रेड क्रम्स. ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए हम इन्हें फूड प्रोसेसर में डाल देंगे और फिर फूड प्रोसेसर को 2 मिनट चला लेंगे और ये प्यारे से ब्रेड क्रम्स हमारे रेडी हो जाएंगे. ये देखिए कितने ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्स हमारे रेडी हो गए हैं. चलें साथ ही साथ हम अपनी फिलिंग के लिए चिकन बना लेते हैं. उसके लिए हमें चाहिए होगा 1/2 किलो चिकन का कीमा, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून टार्टर पाउडर और 2 टेबलस्पून ऑयल के मिक्स करके कीमे को अच्छे तरीके से पका लीजिए. कीमा पकने के बाद आप इसमें 2 उबले हुए आलू ऐड करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके एक जान कर लीजिए. आपने आलू 2 मीडियम साइज़ के लेने हैं जो कि ना इतने बड़े हों और ना ही इतने छोटे हों. जब ये अभी कम्प्लीटली मिक्स ना हो, आलूओं के भी थोड़े थोड़े लम्स हों, उसके अंदर 2 टेबलस्पून चीज़ स्प्रेड के डाल दीजिए. चीज़ स्प्रेड डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके बिल्कुल एक जान कर दीजिए कि जिसके अंदर आलू का एक भी लम्प नज़र ना आए. ये देखें हमारा मिक्सचर कितने अच्छे तरीके से मिक्स होकर रेडी हो गया है. तो चलें अब चलते हैं ब्रेड रोल्स बनाने की तरफ. आप एक प्लेट में पानी भर लीजिए, पीने वाला 1 कप, और उसके बाद ब्रेड की एक साइड को उस पानी के अंदर डिप कीजिए. उसके बाद ब्रेड को दोनों हाथों से दबा के उसके अंदर पानी जो है वो निकाल दीजिए. ये देखें हमने ब्रेड से पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से बाहर निकाल लिया है. अब आप अपने मटेरियल को एक शेप दे दीजिए जो कि छोटे से सीख कबाब की शेप होगी. उसको प्यारी सी शेप देने के बाद उसको अपनी ब्रेड के अंदर रख के ब्रेड को रोल कर लीजिए और बिल्कुल नरम हाथों से आपने ब्रेड को रोल करना है और उसके बाद ब्रेड के दोनों एंड्स को बंद कर देना है. आपने सख्त हाथ से ब्रेड रोल्स नहीं बंद करने क्योंकि ब्रेड गीली है, ये टूटने का बहुत डर होगा, तो इसलिए आपने बहुत नरम हाथों से इनको शेप देनी है. बड़ी अच्छी सी शेप देके इनका ऊपर नीचे वाले दोनों एंड्स बंद भी कर देने हैं साथ ही साथ. देखें हमारे खूबसूरत से ब्रेड रोल्स तैयार हैं. अब हम इन्हें आगे लेके जाएंगे और इन्हें फ्राई करेंगे. फ्राई करने के लिए हमें चाहिए होगा 1 अंडा, तोड़ के उसे अच्छे तरीके से फेंट लीजिए. फिर अब हम अपने ब्रेड रोल्स के ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे. कोटिंग करने के लिए सबसे पहले आप अपने रोल को अंडे के अंदर डिप करेंगे. अंडे के अंदर डिप करने के बाद जो ब्रेड क्रम्स हमने बनाए हैं उसके अंदर अपने रोल्स डालकर अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे.
अपने रोल्स की क्रम कोटिंग करने के बाद हम ऑयल को एक पैन में गर्म होने के लिए चूल्हे के ऊपर रख देंगे। ये पता करने के लिए कि हमारा ऑयल बिल्कुल परफेक्टली गर्म हो गया है, हम एक छोटा स्लाइस ब्रेड का ऑयल के अंदर डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डालते ही हमारी ब्रेड फ्राई होना स्टार्ट हो गई थी, इसका मतलब कि हमारा ऑयल परफेक्टली गर्म हो गया है और रेडी है। अब आप इसमें अपने ब्रेड रोल्स डाल दीजिए और जब तक आपके ब्रेड रोल्स सुनहरे गोल्डन कलर के नहीं हो जाते तब तक आप इन्हें फ्राई कर लीजिए। ये देखें हमारे मज़ेदार ब्रेड रोल्स तैयार हैं। इनको आप खुद भी खाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए, अपने दोस्तों को भी खिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर रेसिपीज़। जब तक हमारी अगली रेसिपी आती है, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय।